नमस्कार मेरे बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आजकल जो मैं वीडियो दे रहा हूँ वो प्रोज सेक्शन रेनबो पार्ट टू का प्रोज सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोज सेक्शन जो 11 चैप्टर है उस 11 चैप्टर के संबंध में सारे जानकारी मैं देना चाहूँगा, उनके लेखक का जन्म, लेखक की मृत्यु, लेखक के बारे में और लेखक क्या किताब लिखे, किस चीज़ से लिया गया है, वो सारे जानकारी है। मैं दावा कर सकता हूँ इस चैप्टर में 10 नंबर नहीं आया तो मैं जल समाधि ले लूँगा या मैं अग्निदाह कर लूंगा, ये वचन है मेरा, आप मिला लेना। जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट करता हूं मैं, वीडियो से बने रहे शुरू से अंत तक। तो देखिएगा, सबसे पहला चैप्टर जो आपका है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इनको लिखने वाला लेखक का नाम है हमारे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के बारे में कौन नहीं जानता है बताओ, पहले महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है। देखा जाए कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और मृत्यु 1948 में हुआ था, आपको जानकारी है बड़ी बात ही। उनको मानने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, गौड़से, है ना, गौड़से। इधर देखिएगा, इनकी जो एक इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है लिया गया किस चीज से, तो कह सकते हैं इनकी एक किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इसी किताब से लिया गया है। तो कहा जा सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो चैप्टर है किस किताब से लिया गया है, तो बोला जाएगा कि लिया गया टेकन फ्रॉम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ से लिया गया है। दूसरी बात है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, स्टोरी है, ऐसे है, क्या है, तो कहा जा सकता है यह एस्से है या एक एस्से है, एक निबंध है, कह सकते हैं। चलिए, इनका जो लेखक का टाइटल का क्या है, गांधी जी है और ये कहाँ करने वाले हैं, तो इंडियन है, इंडियन कहलाए, और ये क्या था भाई, तो सोशल एक्टिविस्ट थे, सोशल यानी कह सकते हैं हम समाज सुधारक के तौर पर बोला जा सकता है, फ्रीडम फाइटर थे और राष्ट्रपिता थे, फादर ऑफ नेशन थे, है ना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन बहुत तरह से आ सकता है बेटा, लेकिन एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि माई एक्सपेरिमेंट विस्तु कहाँ से लिया गया है, माई एक्सपीरियंस कौन लिखा है, तो कह सकते हैं आप गांधी जी लिखा है। चलिए सेकंड सेक्शन देखते हैं अगला क्या है। अगला आपका है जो सेक्शन भारत इज माई होम को लेखक का नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन है, आप इनके बारे में जानते होंगे, आपके राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति। उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, देखिएगा 1897 में उनका जन्म हुआ, 1969 में उनकी मृत्यु हो गई, पढ़ ही मरे हैं वो। राष्ट्रपति के दौरान मुस्लिम प्रेसिडेंट सेकंड थे, फर्स्ट थे, और उनके बारे में जानकारी बहुत जान लीजिएगा, ये एक बहुत बड़े व्यक्ति और एजुकेशनिस्ट थे, सबसे बड़ा कहते हैं एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे, विद्वान थे, है ना। एक स्पीच है, ये चैप्टर क्या है, एक स्पीच है, भारतीय मैम क्या है, एक स्पीच है, एक भाषण है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने राष्ट्रपति के दौरान लिखा था, दिया था, उस भाषण का कुछ अंश दिया गया है, ये एक भाषण है। और ये चौचित में फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिए थे, जब हमारे साथ अंग्रेजों के साथ युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी आजादी का, उस समय उन्होंने भाग लिया था, तो फ्रीडम फाइटर कहलाए। इसके बाद स्पीच है, स्पीच, और कब स्पीच दिया था, 1967 में उन्होंने स्पीच दिया था, 1967 का स्पीच है, क्योंकि उसी समय वो प्रेसिडेंट बने थे, क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, उसी समय का ये स्पीच है मेरे बच्चे। चलिए, तो इंडिया के है, तो इंडियन कहलाए, हुसैन इनका टाइटल रहा है, लिख सकते हैं। चलिए मेरे बच्चे, तो अगला नंबर थ्री पार्ट आ जाता है, फिर से थर्ड पार्ट देखा जा रहा है। देखिएगा थर्ड क्या है, ए पिंच ऑफ असना, इस चैप्टर का नाम है एक चुटकी खैनी, एक चुटकी खैनी। लेखक का नाम क्या है, तो मनोहर मालगांवकर, एम स्क्वायर भी हम लोग कहते हैं, मनोहर मालगांवकर को कहा जाता है एम स्क्वायर, एम पर पावर टू, है ना। उनका जन्म कब हुआ, 1913 में, मृत्यु 2010 में हुई, देख सकते हैं 1913 2010, चूंकि जब किताब छप आपके ओरिजिनल बुक में 1913 रहेगा लेकिन 2010 नहीं रहेगा, बिकॉज ये बुक 15-20 साल पहले का है, प्रिंटेड किया गया है, तो अभी तक उसमें रिप्रिंट नहीं किया गया है, सुधार नहीं किया गया है, लेकिन अभी ताजा करके बता दिया इनकी मृत्यु 2010 में हुई थी। अगला, ये कहां से लिया गया है चैप्टर, तो हम कह सकते हैं ये चैप्टर जो लिया गया है कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज, किताब का नाम है कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी नामक किताब इन्होंने लिखा था, मनोहर मालगांवकर उन पुस्तक से लिया गया है ये किताबें। तो याद रखिएगा कि ये पिंच ऑफ असनफ जो है किनकी किताबें से है, तो कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी नामक किताब से लिया गया है। एक क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये मैं पहले ही बता दिया, एक क्वेश्चन 10 नंबर देगा आपको, ये पूरी टॉपिक आज का पूरा वीडियो 10 नंबर आपको देगा, ठीक से। अगला वर्कर्स वर्क्स रचनाएं की किताबें लिखा है इन्होंने, बहुत सारी किताबें लिखा है। चलिए किताब को गेयर किया जाए, तो डिस्टेंट ड्रम के लिखे हैं भाई, डिस्टेंट ड्रम, तो हमारे मनोहर मालगांवकर लिए हैं डिस्टेंट ड्रम। द प्रिंसेस के लिखे हैं मनोहर मालगांवकर लिखे हैं। बॉम्बे बिवियर कौन लिखे हैं,
मनोहर मालवीय पर हमेशा क्वेश्चन में आता है, एक कहानी है, एक शॉर्ट स्टोरी है, और टाइटल टाइम का है तो मनोहर जी का टाइटल है मालवीय पर, इंडियन स्टोरी, इंडियन इंडिया के रहने वाले हैं, एक उपन्यास के तौर पर है। इन्हें एक नोवेलिस्ट के नाम पर भी जाना जाता है, इन्हें एक नोवेलिस्ट भी कहते हैं। देखिएगा अगली बात, अगला क्वेश्चन नंबर राइट, चार नंबर एक्सरसाइज, आई हैव अ ड्रीम। आप देखिएगा इस आई हैव अ ड्रीम से क्या क्या क्वेश्चन आता है, गौर कीजिएगा। तो देखिएगा आई हैव अ ड्रीम के लेखक का नाम मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग, एम लूथर, एम एल के आर जे आर, हम लोग बोलते हैं एम एल के जे आर, एम एल के जे आर हम लोग नाम लिखते हैं, है ना। देखिएगा 1929 में उनका जन्म हुआ, 1968 में उनकी मृत्यु हो गई, काफी कम समय बचे चूंकि उन्हें मार दिया गया था, उन्हें गोली मार दिया गया था मेम्फिस में। नोबेल विनर है, नोबेल प्राइजर है, नोबेल लॉरेट कहलाते हैं, 1964 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में, लेकिन शांति के क्षेत्र में माना जाता है उनको, उनको शांति दूत कहा जाता है, पीस, पीस के क्षेत्र में, है ना, कह सकते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वक्स, स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइक टुवर्ड्स फ्रीडम, ये रचनाएं बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, इनकी रचनाएं जो है ना, स्ट्राइक टुवर्ड फ्रीडम और वक्स, स्ट्रेंथ टू लव, ये सब इनकी किताबें फेमस रही है। ये स्पीच है, ये भी एक स्पीच है, ये भाषण दिए थे, गोरे काले में भेद था अमेरिका में, उस समय गोरे काले को एक करने के लिए उन्होंने भाषण दिया था, उनकी भाषण बहुत दमदार था, इसलिए इस भाषण में दम रहा, स्पीच है ये। इनका टाइटल क्या है, अपना टाइटल नेम लूथर है, कहाँ रहने वाले हैं, अमेरिकन है, और कहाँ के, और ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने भी एक समाज सुधारक के तौर पर ही काम किया है, एक समाज सुधारक थे, महान व्यक्ति थे, इनका गुणगान जितना भी कर लिया जाए बिल्कुल कम है। देखा जाए अगला टॉपिक, फिर से देखा जाए, पांच नंबर, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ideas that have helped mankind, ये जो आपका टॉपिक है, चैप्टर है, लिखा है कौन, तो कहता है बर्ट्रांड रसेल साहब ने लिखा है, बर्ट्रांड रसेल, इनका पूरा नाम बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल उनका पूरा नाम था, उनका जन्म 1872 में हुआ था, 1970 में सबसे ज्यादा आयु जिए हैं, हम कह सकते हैं 98 ईयर्स यानी 100 साल शतक मारे हैं लगभग, हम कह सकते हैं। तो उनका मृत्यु 1970 में, जन्म 1872 में हुआ था। फिर मैं आज दिला दूं आपको, इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज मिला 1950 में मिला, और लिटरेचर के क्षेत्र में मिला, क्योंकि साहित्य में बहुत अद्वितीय काम किया था इन्होंने, इसीलिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। इनकी रचनाएं किताबें मैरिज एंड मॉरल्स, बहुत फेवरेट किताब इनका है, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, ये फेवरेट किताबें हैं। ये क्या है भाई, तो एक एसे है, एसे निबंध है, इन्होंने निबंध लिखा है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो इंग्लिश इंग्लैंड के आदमी है, इंग्लिश फिलोसफर थे, फिलोसफर के तौर पर जाने जाते हैं, गणितज्ञ भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, और हिस्ट्रियन थे, इतिहासकार भी थे, तो ये बहुत बेजोड़ गुण यानी सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति का नाम है बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल, कह सकते हैं। कैसे, तो देखिएगा लिटरेचर के क्षेत्र में मिला इनको नोबेल प्राइज, कह सकते हैं, लिटरेसी ऐसे लिखे हैं, एसिस्ट भी हैं, और फिलोसफर भी हैं, दूसरा गणितज्ञ भी है, इतिहासकार भी है, तो बताया जाए इतना गुण बहुत कम में मिलता है ना, तो मेरे बच्चे याद कर ले इनको। चलिए अगला बात है, ध्यान दिया जाए, और ये बताओ, बता दू, पांचवा नंबर के क्वेश्चन हर बार आता है, मैं दावा करता हूं इस बार भी आएगा, इससे दो नंबर लड़ जाएगा, ये मैं दावा करता हूं, इससे केवल दो नंबर आ जाएगा, मैं दावा करता हूं इससे, तुम याद कर लोगे, तुम देखना मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा वीडियो रहेगा और मैं भी रहूंगा, तुम देख लेना। छठा टॉपिक आ गया, द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत शानदार कहानी है। इस कहानी का लेखक का नाम सिगानोया, कौन है भाई, सिगानोया इस कहानी के लेखक का नाम है। उनका जन्म कब हुआ, 1883 में, मृत्यु हो गई 1971 में। क्या है भाई, एक स्टोरी है, स्टोरी लिखा गया, ये स्टोरी है, है ना, एक बच्चा कहानी है, ये लेखक का नाम है सिगानोया, है ना। चलिए, और ये जापानीज है, जापान के रहने वाले हैं, कहां रहने वाले हैं, जापान के, जापानीज स्टोरी कहलाता है, और एक नोवेलिस्ट भी है, उपन्यासकार के तौर पर भी सिगानोया को जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए सिगानोया क्या थे, तो बोल सकते हैं आप लोग शॉर्ट स्टोरी राइटर या नोवेलिस्ट भी कह सकते हैं आप लोग। चलिए, इनका आयु और इनका डेथ क्या हुआ वर्णन कर दिया गया है। सपना टॉपिक आपके साथ आ गया है, एचआरडीज बॉर्न, एचआरडीज बॉर्न, एचआरडीज बॉर्न के लेखक का नाम, तो स्त्री है, एक फेमिनिस्ट लेखिका है, फेमिनिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। देखा जाए जर्मन ग्रीन, जर्मन ग्रीन मैडम ने इस चैप्टर को लिखा है, एक चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चों को जन्म दिया जा गया है ना। उनका जन्म 1939 में हुआ, अभी भी वो जिंदा है, जैसा कि पता है अभी भी वो जिंदा है, 1940 में, और जोड़ सकते 1940 में, 1939 में वो जन्म लिए हैं, तो अभी भी जिंदा है, अभी इनके डेथ है कि नहीं हुआ, आदमी 100 साल तो रह सकता है ना, 100 साल तो जिंदा रहता है ना लगभग, तो 1939 में जन्म लिए हैं, अभी तक जिंदा है मैडम, तो डेथ नहीं लिखा जा सकता है। उनकी
पूछा जाएगा ये चाइल्ड इज बॉर्न किस चीज से, किस किताब से लिया गया, तो सेक्स एंड डेस्टिनी एक किताब है उन्होंने लिखा था, उसी से चाइल्ड इज बॉर्न लिया गया है। रचनाएं, उनकी रचनाएं फेमस हो गई, फीमेल यूनक एंड द चेंज, एक दो चैप्टर जो दो किताबें हैं बड़ा फेमस रहा। क्या कह सकते हैं, फीमेल यूनक बहुत फेमस किताबें लिखा इन्होंने, फीमेल यूनक, फीमेल यूनक मतलब कह सकते हैं बांझ, बांझपन पर लिखा है इन्होंने, बांझपन कह सकते फीमेल यूनक मतलब बांझ होता है, बांझ औरत जो औरत बच्चे नहीं पैदा कर पाती है, योग्य नहीं होती है, उसे फीमेल यूनक कहा जाता है। द चेंज, ये दो किताबें बड़ा फेमस रहा है, मैं दावा करता हूँ एक चीज आने वाला है बेटा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ इसको गौर करना आप लोग। एक ऐसे है जर्मन गिर लिखे हैं मैडम, और ये कहाँ रहने वाले हैं, ऑस्ट्रेलियन लेडी है, ऑस्ट्रेलिया के अभी भी जिंदा हुए हैं, और है ना कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और इन इंग्लैंड में है लेकिन अभी जिंदा है और रह रहे हैं इंग्लैंड में भी रह रही है मैडम, जबकि अभी ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला है, आज मैच चल रहा है तो मुझे याद आ गया, अभी जब वीडियो दे रहा हूँ उस दिन अभी जस्ट मैच चल रहा है, आपको परिभाति पता है, इंडिया बैटिंग कर रहा है, रोहित शर्मा उतरा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि आज विनर बहुत बेजोड़ दिन है हमारे लिए, हम लोग को शुभ दिन माना जाएगा और निश्चित तौर पर है हम जीतेंगे आज, आज बड़ा खुश का दिन है। मैं सोच रहा हूँ मैच छोड़ करके मैं लाइव देकर आपको अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो तैयारी कर रहा हूँ मैं छोड़ करके, तो देखिएगा आप लोग भी बने रहें, देखिएगा क्या मैं करने जा रहा हूँ आपके लिए। चलिए आठवां टॉपिक, हाउ फ्री द प्रेस। देखिए एक चैप्टर ही शानदार जानदार चैप्टर है, हाउ फ्री इन द प्रेस एक बेजोड़ टॉपिक है, दमदार है। इस चैप्टर को प्रेस के संबंध में बताया गया है, ये भारतीय प्रेस की बात नहीं हो रहा है, वहाँ इंग्लैंड के प्रेस की बात हो रहा है, इंग्लैंड प्रेस की कहानी है और एक ऐसे टाइप का लिया गया है। देखिएगा क्या है भाई, तो समझ लेते हैं हम लोग हैं, डोरोथी एल सेयर्स मैडम ने लिखे हैं ये रचनाएं, ये ऐसे जो लिखे वाले हैं डोरोथी एल सेयर्स, 1893 में जन्म ली और 1957 में उनका मृत्यु हो गया। देखा जाए फर्स्ट ऑफ ऑल टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पहली औरत विश्व के पहली औरत थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की थी, पहली लड़की थी वो, पूरे वर्ल्ड में पहली लड़की थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में जो है यूनिवर्सिटी है सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है उससे वो ग्रेजुएशन की थी, सबसे वन नंबर की लड़की थी वो, जिके में नाम भी आता है। आगे रचनाएं, तो गौरी नाइट, इनकी रचनाएं गौरी नाइट है, नाइन टेलर्स, ये सारी किताबें इन्होंने लिखा है, ये ऐसे है ये, चूंकि हाउ फ्री द प्रेस ऐसे है इन्हें असिस्ट कहा जा सकता है। सेयर्स इंग्लैंड के रहने वाले इंग्लिश लड़ी है और उपन्यासकार भी रही है और प्ले राइटर भी है और पोएट्री भी कहा जाता है, विभिन्न प्रकार के गुण से संपन्न औरत है, लड़ी है, आप देख सकते हैं एसिस्ट नहीं, तो चला जाए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाइन नंबर टॉपिक को देखा जा सकता है, दर्थ, दर्थ, दर्थ एक कहानी है, एक कहानी पढ़े होंगे आप, एक लड़का कहानी है, एक किसान का कहानी है, किस तरह से किसान अपने बच्चा को पालता है और वो बच्चा बाद में धोखा देता है, ये कहानी बेजोड़ है, बड़ा हृदय विदारक कहानी आप लोगों को पढ़ाया हूँ। तो देखा जाए एची बेट्स, एची बेट्स इनका लेखक का नाम है, एची बेट्स हार्वर्ड अर्नेस्ट बेट्स इनका पूर्ण नाम हुआ, 1905 में जन्म लिए, 1978 में उनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं क्या है भाई, तो द पर्पल प्लेन, द स्कारलेट सोर्ड, ये दो किताबें बड़ा फेमस रहा इनका, हमारे एची बेट्स जी का, ये स्टोरी है, ये कहानी क्या है भाई, तो एक स्टोरी है, ये स्टोरी है याद रखिएगा। और बेट्स इंग्लैंड के रहने वाले हैं, स्कॉटिश राइटर भी हैं और राइटर भी हैं, नॉवेलिस्ट भी हैं, विभिन्न प्रकार के हैं, तो कह सकते हैं इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और आपके नॉवेलिस्ट भी हैं, ये सारी चीजें हैं। तो याद रखिएगा कि अगर पूछा जा सकता है द पर्पल प्लेन कौन लिखा है, तो आप लिख सकते हैं एची बेट्स। चलिए अगला है नंबर दसवां टॉपिक, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आई, कौन लिखा है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आई, कौन लिखा है, तो मैं बताऊं आपको, पर्ल एस बक, पर्ल एस बक का फुल नाम है पर्ल सिडन स्टिकर बक, पर्ल सिडन स्टिकर बक इनका फुल नाम है। इंडिया थ्रू ट्रेवलर आई जो है इससे है वो लिखने वाले कौन है, तो पर्ल एस बक लिखे हैं, 1892 में जन्म हुआ था उनका बेटा, 1973 में उनकी मृत्यु हो गई, साथ में नोबेल प्राइज विनर भी रही है लिटरेचर के क्षेत्र में, 1938 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, 1938 में है ना, 38 जो इंडिया थ्रू ट्रेवलर लिया गया है, तो माई सेवरल वर्ल्ड नामक पुस्तक से एक किताब है, एक कहानी निबंध लिया गया है, छोटा सा लिया गया है, ये क्या है इनकी रचनाएं, द गॉड्स अर्थ लिखे हैं इनकी रचनाएं, ए ट्रेवलॉग है ना, यही क्या है, तो इंडिया इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर एक ट्रेवलॉग है, आत्रा वृत्तांत है, आत्रा वृत्तांत का मतलब होता है जब लोग घूमते हैं और घूम घूम करके किसी चीज के बारे में लिखा जाता है और लोगों को बताया जाता है, इस चीज को हम लोग आजकल के बोलते हैं ना ब्लॉगर व्लॉगर बोलता है, तो आजकल के उस समय ब्लॉगर्स नहीं होते थे, अपना घूमते थे और लिखते थे उस चीजों को
जो चीज़ को देखते थे अलग अलग देश विदेश भ्रमण करने के बाद जो जानकारी मिलता था विश्व के बारे में बताया जाता था, जिसको मैसेज दिया जाता था जिसके माध्यम से किताबों के माध्यम से, उसे ट्रेवलॉग और ट्रेवलर कहा जाता है। ये मैडम ट्रेवलॉग थी और बक जो थी अमेरिकन थी, जन्म ली थी अमेरिका में, पली थी लेकिन चाइना में, पली थी कहाँ, जन्म ली थी अमेरिका में और पालन पोषण हुआ था उनको चाइना में, चूंकि पिता उनके एक अच्छे पद पर थे और वो धर्म प्रचारक थे, उनके पिताजी ईसाई थे। तो आप गौर कर सकते हैं ये मैडम भी बहुत बेहतर काम किए हैं। गौर से 1938 इनका जब नोबेल प्राइज मिल सकता है तो सोच सकते हैं सभी लोगों को नोबेल प्राइज मिलता नहीं है। आगे देखा जाए, अंतिम टॉपिक है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अंतिम टॉपिक है आपका, प्रोज सेक्शन का सबसे लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है ये मैरिज प्रपोजल। ये क्या है, तो मैरिज प्रपोजल आप जानते हैं, मैरिज का मतलब विवाह, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, विवाह प्रस्ताव एक चैप्टर का नाम है। आप नतालिया लोमोव चुबकोव ये सारे कैरेक्टर इसमें है, आप गौर कर सकते हैं। इसमें एंटोन चेकोव साहब जी, एंटोन चेकोव साहब, चेकोव सारे चेकोवे हैं, चेकोव साहब का जन्म 1860 में और मृत्यु 1909 में हुआ था। रचनाएं क्या है, थ्री सिस्टर्स किताबें लिखा है, अंकल वान्या किताबें इनका है, और ये क्या है कुछ एक ड्रामा है। आपका प्रोस सेक्शन में केवल एक ही मार्क ड्रामा है, उसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल, रट जाना, केवल एक ड्रामा आपके पास है। 11 चैप्टर में एक ड्रामा है जिसका नाम है मैरिज प्रपोजल। तो ड्रामा एक है, और ड्रामा का मतलब कैरेक्टर होता है, और ड्रामा याद रखना है वन एक्ट प्ले, वन एक्ट प्ले कहा जाता है। दूसरा नाम है मोनोलॉग भी कहा जाता है उसको, मोनोलॉग इस तरह कह सकते हैं, वन एक्ट प्ले या मोनोलॉग भी कहा जाता है। चेको रशिया के रहने वाले हैं, रशियन राइटर कहलाते हैं और राइटर भी हैं, प्ले राइटर भी हैं, प्ले राइट करते हैं भी, इस तरह से कह सकते हैं हम। तो मेरे बच्चा मैं बता दूं आपको, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।